जुजुत्सु काइसेन की दुनिया में डोमेन एक्सपेंशन को सबसे ताकतवर टेक्निक माना जाता है। अगर कोई भी कैरेक्टर डोमेन का इस्तेमाल करता है तो हम समझ जाते हैं कि वो कैरेक्टर काफी पावरफुल है। तो आज मैं बात करूंगा उन कैरेक्टर की जिनके डोमेन एक्सपेंशन को एनिमे में दिखाया गया है। डोमेन एक्सपेंशन दो टाइप के होते हैं, पहला लीथल डोमेन और दूसरा नॉन लीथल डोमेन। लीथल डोमेन यूजर की कॉम्बैट एबिलिटी और उनकी कर्स एनर्जीज को एकदम से इनहेंस कर देता है। लीथल डोमेन का इस्तेमाल करने से यूजर का हमला अपोनेंट को लगेगा ही। इस डोमेन को मार काट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसी वजह से इस डोमेन को इस्तेमाल करने के लिए कई सारी कर्स एनर्जी और स्किल का यूज करना पड़ता है। नॉन लीथल डोमेन, इसका इस्तेमाल करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं और इस डोमेन में मार काट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अब बात करते हैं उन कैरेक्टर्स की जिन्होंने डोमेन का इस्तेमाल एनिमे में किया है। मैलोवेरेंट श्राइन तो इस डोमेन को हमारे किंग ऑफ कर्सेस रियोमेन सुकुना इस्तेमाल करता है। ये डोमेन एक्सपेंशन पूरे जेजेके वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डोमेन है। ये एक लीथल डोमेन है, अगर इसमें कोई भी फंस गया तो उसका जिंदा बचना नामुमकिन है। जब सुकुना अपने डोमेन को खोलता है तो उस जगह पर एक श्राइन आ जाता है। सुकुना अपने डोमेन के अंदर स्लाइसर इस्तेमाल करता है जिससे वो अपने अपोनेंट को काट डालता है। जिस अपोनेंट के पास कर्स एनर्जी होती है तो सुकुना उसके ऊपर क्लीव इस्तेमाल करता है, और जिनके पास कर्स एनर्जी नहीं होती है तो वो उनके ऊपर डिसमेंटल इस्तेमाल करता है। सुकुना ने पहली बार डोमेन सीजन 1 में एक कर्स एनर्जी के सामने इस्तेमाल किया था, इसको उसने परक्ष वक्त ही हरा दिया था। और फिर सीजन 2 में उसने महोरागा के सामने डोमेन का इस्तेमाल किया था और उसे एक सेकंड में ही मार डाला था। अनलिमिटेड वॉइड ड्योइकी टेंकाई म्यूरियो कुशो। ये गोजो सातोरू का डोमेन है, तुम्हें तो उसके बारे में पता ही होगा। तो उसका इस्तेमाल गोजो ने जोगो के खिलाफ किया था। इस डोमेन के अंदर जो शख्स फंस जाता है तो उसके दिमाग में अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन आने लगती है और वो पैरालाइज हो जाता है। मतलब उसका दिमाग तो काम करता है पर उसकी बॉडी पूरी तरीके से पैरालाइज हो जाती है। गोजो का डोमेन बहुत ज्यादा ताकतवर है। जब गोजो ने अपना डोमेन 0.2 सेकंड के लिए शिबुया आर्क में खोला था तब उन सिविलियन को हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया था। गोजो के डोमेन ने जोगो के डोमेन को काफी आसानी से तोड़ दिया था। कॉफिन ऑफ द आयरन माउंटेन। कॉफिन ऑफ द आयरन माउंटेन। तो इस डोमेन को जोगो इस्तेमाल करता है। जब वो गोजो से लड़ रहा था तब उसे पता चल गया था कि गोजो के ऊपर नॉर्मल अटैक करने का कोई फायदा नहीं है, तब वो अपने डोमेन का इस्तेमाल करता है। इसके डोमेन के अंदर हर जगह माउंटेन और लावा होता है। जोगो अपने डोमेन को काफी अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना जानता है। वो अपने अपोनेंट को उस लावा में जला सकता है। उन हमलों को डॉज करना बहुत मुश्किल है, पर गोजो का डोमेन जोगो के डोमेन पर भारी पड़ा था और उसके डोमेन को तोड़ दिया था। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जोगो का डोमेन कमजोर है। सेल्फ एम्बोडीमेंट ऑफ परफेक्शन। इस डोमेन का यूजर महितो है। महितो ने अपना डोमेन ननामी के खिलाफ इस्तेमाल किया था। इस डोमेन में हर जगह हाथ होते हैं जो देखने में काफी ज्यादा बवाल लगता है। इस डोमेन में महितो की कस्ट टेक्निक आइडल ट्रांसक्रेशन और भी ताकतवर हो जाती है। अगर तुम इसमें फंस गए तो तुम्हारा मरना तय है। पर यह डोमेन बाहर से काफी कमजोर होता है और यूजी ने इस डोमेन को अपने पंचेस से ही तोड़ दिया था। कैमेरा शेडो गार्डन। ये डोमेन मेगुमी फुशिगोरो का है। ये डोमेन मेगुमी की शेडो टेक्निक से बना है। इसके इस्तेमाल से वो अपने अपोनेंट को शेडो के बीच में फंसा देता है। वो अपने डोमेन के अंदर किसी भी शिकिगामी को समन कर सकता है और वो शिकिगामी मेगुमी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पर ये डोमेन अभी इनकम्प्लीट है, तभी ये बाकी डोमेन के सामने काफी कमजोर है। पर फिर भी इस डोमेन से मेगुमी ने एक अव्वल दर्जे की शक्ति को हराया था, तो इस बात को हम हल्के में नहीं ले सकते। अगर वीडियो को तुमने यहाँ तक देखा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना। तुम्हारे सब्सक्राइब करने से मेरा यानी तुम्हारे भाई का भला होगा, तो कर देना। स्मॉल पॉक्स डाइटिन। ये डोमेन एक कर्स एनर्जी का है। इस डोमेन में अपोनेंट एक कब्र में फंस जाता है, फिर उसमें 3 सेकंड का काउंटडाउन चलता है। अगर अपोनेंट उस कब्र में से 3 सेकंड में बाहर आ गया तो वो बच जाएगा, और अगर नहीं आया तो वो स्मॉल पॉक्स की बीमारी से मर जाएगा। पर ये डोमेन काफी कमजोर है, कोई भी एक ग्रेड का सॉफ्टवेयर इसे काफी आसानी से तोड़ सकता है, तो ये इतना कुछ खास नहीं है। होराइजन ऑफ द कैप्टिवेटिंग स्कांडा। इस डोमेन का इस्तेमाल डैगन करता है, वो भी एक खूबसूरत बीच में। इस डोमेन से वो अपने समुद्री शिकिगामी को समन कर सकता है।
पर ये शिकिगामी नॉर्मल नहीं होते, मतलब ये जब तक अटैक नहीं करते तब तक इन्हें कोई नहीं देख पाता है। जब डैगन पूरा एक कर्स एनर्जी में बदल गया था तब उसका डोमेन और भी ताकतवर हो गया था। डैगन ने जब डोमेन का इस्तेमाल करा था तो तभी मेरा फेवरेट कैरेक्टर टोजी फुजिबारो आ गया था और सागुन को उसकी डोमेन के अंदर उसकी समन किए गए शिकिगामी के सामने उसको कुत्तों के तरीके मारता है। इनफैक्ट वो उसके सारे शिकिगामी को और खुद सागुन को भी मार डालता है। सच में यार टोजी फुजिबारो सच में एक लेजेंडरी कैरेक्टर है। तो यही थे वो एनिमे में दिखाने जाने वाले डोमेन एक्सपेंशन। देखो मैंने मांगा कि डोमेन को कवर नहीं किया है, अगर मैं उन्हें भी इस वीडियो में ऐड करता तो ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती और बड़ी वीडियो बनाने की मेरी औकात नहीं है। तो इसलिए मैं इस वीडियो का पार्ट 2 लाऊंगा जिसमें मैं मांगा वाले डोमेन यूज़र को और उनके डोमेन को एक्सप्लेन करूंगा। और जब तक तुम इस वीडियो को देख रहे होगे तब तक वो वीडियो आधी बन भी चुकी होगी, तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि तुम्हें सबसे पहले इस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और सच में वो वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।